हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लास स्टैंडर्ड सिक्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 9.3। आवर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लास वाइज स्ट्रेंथ ऑफ अ स्कूल इज गिवन बिलो। यहाँ पे क्लास वाइज जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है वो दिया हुआ है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, सिक्स में 58 है, सेवन में 56 है, एट्थ में 50 हैं। इस टाइप से यहाँ हमें ये क्लास वाइज स्ट्रेंथ दी है। शो द एबव डाटा विद अ बार ग्राफ। अब ये डाटा जो दिया हुआ है हमें उसे बार ग्राफ में चेंज करना है। तो अब देखिए बार ग्राफ क्या होता है, यहाँ ये एग्जांपल दिया है। इस टाइप से हम इसको बार्स में शो करते हैं, इसको हम बार ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, ये चार्ट होता है। तो इसको कैसे बनाते हैं आप देखिए। सबसे पहले हम इसमें एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। और इस वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। इस टाइप से हम इसको ले लेंगे। और इनका जो कनेक्शन पॉइंट होता है, यानी जो कॉमन पॉइंट है दोनों का, उसको हम ओरिजिन यानी ओ से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये ज़ीरो नहीं है, ये ओ है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमें जो डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पहले, तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, क्लास। तो क्लास से इसको हम यहाँ नीचे रख लेंगे। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर जो मेजरमेंट है वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो आंकड़े दिए हैं, यानी जो डाटा दिया है, वो हमारा 40 से 58 तक है। तो हम यहाँ क्या है, 10 10 का डिफरेंस ले सकते हैं, या 5 5 का। जैसे 10 5 5 का ले लेते हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, 55। आप इसको अपने बार ग्राफ की जो कॉपी आती है ना नोटबुक, उसमें बनाएंगे। ऐसे सिंपल नोटबुक में ये नहीं बनता है, इसकी अलग लाइंस वाली नोटबुक आती है, उसको खरीद लें आप। यहाँ 60। अब देखिए ये हमारा 58 तक है, तो यानी हमें इस तक तो लेना ही है मेज़रमेंट, जो है हमारा 60 तक। तो 60 के अंदर अंदर ये सारे आ जाएंगे। अब यहाँ रख लेंगे हम क्लासेस अपनी। अब देखिए क्लास कितनी है, 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ रख लिया हमने 6, फिर यहाँ रख लिया हमने 7, फिर यहाँ रख लिया हमने 8, और यहाँ रख लिया हमने 9, और ये 10। पांचों क्लासेस रख ली हमने। अब इसका हम बार ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहला हमारा जो 6 का दिया है वो है 58। 6 का कहाँ तक लेना है हमें, समथिंग इतना। ठीक है, तो यहाँ से सीधी लाइन काटेंगे। ये हो गया इसका बार ग्राफ। ठीक है ना। आप देखिए सेवेंथ का है 56, यानी 55 से थोड़ा सा ऊपर होगा ये, तो हम यहाँ तक ले लेंगे इसको। आप स्केल से ड्रॉ करें इसको, तो ये हो गया हमारा 56। और ये सभी जो बार है ना, इनकी जो चौड़ाई है वो इक्वल आनी चाहिए। ये नहीं कि कोई चौड़ा है कोई पतला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्केल से बराबर मेजरमेंट लें। और आप ग्राफ की नोटबुक में बनाएंगे तो एक एक बॉक्स ले लें। अब एट्थ में है 50, एट्थ में कितनी है 50, तो यहाँ हम 50 तक ले लेंगे इसको। फिर नाइन्थ में है 46, तो 45 से ऊपर थोड़ा सा। और इनके जो बीच का डिफरेंस है ये भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना। ये तो मैं नोटबुक में बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा
पूरा है, लेकिन आप स्केल से और हर की नोटबुक में बनाएंगे तो उसमें इक्वल आएगा। नेक्स्ट है 10 वाला हमारा 40, तो हम 40 पर ले लेंगे इसको, तो ये हो गया हमारा 40। तो इस टाइप से हम इसको शो कर देंगे, इस टाइप से बनता है हमारा एक बार ग्राफ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ इसमें हमें जो एनिमल्स हैं वो दिए हैं और उनकी लाइफ ईयर दिया है, तो आप इसको 2-2 का डिफरेंस, सॉरी 2-2 का 60 तक लेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो आप इसमें 10-10 का डिफरेंस ले सकते हैं, 60 तक आराम से पहुंच जाएंगे, या फिर आप 8-8 का डिफरेंस ले सकते हैं इस टाइप से। नेक्स्ट इसमें आप 10-10 का डिफरेंस लेकर आराम से बना सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ यहाँ क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए यहाँ पे तो हम अपने अकॉर्डिंग मेजरमेंट लेते हैं या क्या स्केल लेना है हमें वो तय करना होता है, लेकिन यहाँ पे हमें दिया हुआ है टेक अ स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू स्टूडेंट, यानी जो 1 सेंटीमीटर होगा वो 2 स्टूडेंट, यानी 2-2 के अकॉर्डिंग चलना है, उसके अकॉर्डिंग बार ग्राफ प्रेजेंट करना है। यहाँ हाइट दिए है हमें सेंटीमीटर में और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है, तो देखिए इसके जैसे ही ऐसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन काटेंगे और एक वर्टिकल लाइन काटेंगे, इसको एक्स लिख देंगे और इसको वाई लिख देंगे। यहाँ पर हम हाइट इन सेंटीमीटर लिख देंगे, और यहाँ पर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे हमें स्केल दिया हुआ कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 2 स्टूडेंट, तो यानी हमें 2-2 का डिफरेंस लेना है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। यहाँ पे हमें जो नंबर दिए 17 तक हैं, तो ये हमारे 20 के अंदर ही आ जाएंगे। अब देखिए ये जो हाइट दी है 120, 125, तो यहाँ लिख देंगे हम 120, 125, 130, 135, 140, 5 ही दिए हमें ओनली, तो यहाँ हमने इस तरीके से 5 जो है लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे हमें फर्स्ट दिया है 120 पे 7 स्टूडेंट हैं, तो 120 पे हम 7 चलेंगे, तो देखिए 8 से थोड़ा 8 और 6 के बीच में होगा, तो यहाँ बिल्कुल मिडिल में रख लेंगे इसको और इस टाइप से लाइन ड्रॉ करके ये बन गया हमारा 7 का 120 सेंटीमीटर का। अब देखिए 125 पर कितना है हमारा 8, तो करेक्ट 8 पर लेंगे 125 पर, ये बन गया हमारा 125 पर। फिर उसके बाद है हमारा 130 पे 17, अब देखिए 17 का होगा 16 और 18 के बीच में, तो यहाँ से हम सीधी लाइन लेंगे, फिर इस टाइप से ही प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 135 पे 13, तो 12 और 14 के बीच में आएगा, ये हो गया हमारा नेक्स्ट। उसके बाद है हमारा 140 पे 4 और 6 के बीच में आएगा 5, ये हो गया इस टाइप से। बस आपको इस टाइप से जो डाटा है उसको प्रेजेंट करना है, यहाँ हाइट यानी जो ऊपर वाली जो डिटेल है वो नीचे लेनी है, और जो नीचे वाले हैं नंबर्स उनको यहाँ रखना है। यहाँ आप कितने का भी डिफरेंस ले सकते हैं, बड़ी बड़ी संख्या हो तो 10-10 का डिफरेंस ले लें, और छोटी छोटी संख्या हो तो यानी इसको देख कर इसके अकॉर्डिंग आपको जो डिफरेंस है वो रखना है। ऐसे ही 6 क्वेश्चन में आपको बार ग्राफ बनाना है, यहाँ स्पोर्ट्स दिए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं जिसको आप बार ग्राफ में प्रेजेंट करेंगी।